नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि दाऊदी बेहरा मुस्लिम समुदाय में लड़कियों का जो खतना किया जाता है वो गलत है और इससे लड़कियों के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होता है। हम आपको आज इस पर डिटेल्स में बताएंगे कि मुस्लिम समुदाय के दाऊदी बेहरा समुदाय में ये प्रथा है कि लड़कियों की उम्र जब कम होती है उसी समय में उनके प्राइवेट अंग में खतना कर दिया जाता है, जो चार प्रकार से होता है। ब्लेड से काट करके किया जाता है और या फिर सिलाई करके किया जाता है। इसे काफी दर्दनाक माना गया और मुस्लिम समाज के लोगों के प्रतिनिधि ने हालांकि तर्क दिया था कि ये उनके संस्कार और सभ्यता का ही भाग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल ने उन्होंने कहा कि 42 देशों में इस पर बैन लगा दिया गया है। अफ्रीका के 23 देशों में इस पर बैन है और ये अनुच्छेद 15 का और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है। यानी कि मूल अधिकार अनुच्छेद 15 में है कि समाज, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये उसका उल्लंघन माना गया और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाने का कहा है कि ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को नैसर्गिक स्वतंत्रता देता है और इसे खारिज नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में यह बहस कई वर्षों से चल रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना जजमेंट दे दिया और कहा कि सरकार इस पर ध्यान रखे कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कहीं भी भेदभाव नहीं हो। हालांकि मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों ने कहा है कि ऐसा वो इस पर्पस से करते हैं कि महिलाएं कम उम्र में बाहर नहीं जाएं, और इसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये काफी कष्टदायक और पीड़ा है और लड़की का मतलब ये नहीं है कि वह सिर्फ शादी ही करे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि लड़की होने का यह मतलब नहीं होता है कि उसे सिर्फ शादी ही करना है, यानी कि उसे और भी पारिवारिक दायित्वों के अलावा सामाजिक और देश के लिए भी सोचना है। लड़की को वो सारे अधिकार दिए गए हैं जो लड़कों को समाज में दिए गए हैं, इसलिए इस प्रकार की प्रथा को लगातार जारी रख करके किसी प्रथा के नाम पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में काफी गंभीर हो गई और दीपक मिश्रा जी, जो मुख्य न्यायाधीश है भारत के सीजेआई में, उनकी अध्यक्षता में कमेटी ने जजमेंट देते हुए ये कहा कि कभी भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जिसमें संस्कृति और सभ्यता के नाम पर किसी एक समाज का कहीं ना कहीं से उसके मौलिक अधिकार का, नैसर्गिक अधिकार का और संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होता है। यानी कि जो अधिकार संविधान ने दे दिया किसी को वह संवैधानिक अधिकार है और मूल अधिकार का तात्पर्य होता है कि किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ने के लिए उसे जो अधिकार दिए गए हैं वो उसका मूल अधिकार होता है। संविधान का अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच में मूल अधिकारों का जिक्र किया गया है। इसमें यहां तक बताया गया है, जैसे कि अनुच्छेद 13 में इसका उल्लेख है कि कोई भी संसद द्वारा कभी भी कोई भी कानून अगर बनाया जाता है और उस कानून से मूल अधिकार को रोका जाता है तो कानून इररिलेवेंट हो जाएगा, कानून को नहीं माना जाएगा। और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने दाऊदी बेहरा समाज जो मुस्लिम समुदाय का है इसके इस पूरे वाक्य को देखते हुए यह निर्णय दिया है। आपको क्या लगता है कि क्या खतना की प्रथा महिलाओं में दाऊद बेहरा मुस्लिम समुदाय में जायज है? क्या आपको लगता है कि इससे महिलाओं के नैसर्गिक स्वतंत्रता का, नेचुरल जस्टिस का, मौलिक अधिकार का और संवैधानिक अधिकार का हनन होता है? आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और आप ऐसे ही सटीक विश्लेषण देते रहेंगे। अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक, शेयर और कमेंट भी करते रहिएगा। नमस्कार, शुक्रिया।